क्या बात है साइम, आप परेशान लग रहे हैं। कोई बात नहीं है, जाओ काम करो अपना। भला आपका ख्याल रखने से बढ़कर मेरे लिए और क्या काम हो सकता है? मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती साइम, क्या बात है बताएं मुझे। फहद ने कंपनी खत्म कर दी है। क्या? ऐसे ऐसे अचानक कैसे? अचानक नहीं, बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा था, बस आज उसने फाइनली फैसला कर ही लिया अपना। ठीक कह रहे हो, ये सब तो बहुत दिनों से चल रहा था। आखिर मीरा बाजी अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना? क्या मीरा का जिक्र कहां से आ गया इसमें? साइम, एक तो आप बहुत बोले हैं, कुछ भी नहीं समझते। आप अभी तक भी नहीं समझे कि फहद भाई ने आखिर ये सब क्यों किया? खुल के कहो जो कहना चाहती हो। मैं पहले बहुत परेशान हूं, मजीद परेशान मत करो मुझे। अब मैंने क्या कहना है, वो फहद भाई और मीरा बाजी के बीच अच्छी बातचीत है, और फिर फहद भाई की बीवी अरूसा मीरा बाजी की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, उनसे घंटों घंटों फोन पर बातें करती रहती थी। एक दो बार तो मैंने भी सुना, मीरा बाजी तो उन्हें हर वक्त यही एहसास दिलाती रहती थी कि जैसे मुझसे शादी करके आपने मीरा बाजी पर कोई दुखों के पहाड़ तोड़ दिए। और फिर जाहिर है फहद भी मीरा बाजी का ही साथ देगा ना, और फिर मीरा बाजी, उनकी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है किसी ना किसी तरह आपको बर्बाद कर दें। उन्होंने तो अपने बच्चे तक को मार दी, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। इस सबसे दिल नहीं भरा तो उन्होंने फहद भाई से बात करके आपका बिजनेस खराब करने की, आपको रोड पर लाने की ये साजिश चली। ये सब मीरा बाजी का किया धरा है। मगर फहद मीरा की बातों में क्यों आएगा? आप खुद ही सोचें ना, जब आपके सगे रिश्तेदार, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी भाभी आपसे मुंह फेर सकते हैं मीरा बाजी के कहने से, तो फिर फहद क्यों नहीं? क्यों इन सब ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया? यहां तक कि आपसे कोई बात तक करने को तैयार नहीं। और एक बात कहूं साहब, औरत के आंसू में बहुत दम होता है। जब मीरा बाजी आपके सगे रिश्तेदारों का दिल आपकी तरफ से फेर सकती हैं, तो फिर फहद भाई क्यों नहीं? वो तो आपके सगे भी नहीं है। वैसे मीरा बाजी दिखने में बहुत मासूम है, लेकिन अंदर से इतनी चालाक होंगी बात का मुझे अंदाजा नहीं था। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.